नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नई नई जानकारी लाता रहता हूं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर रिटेल इन्वेस्टर के मन में यही सवाल होता है कि हमें स्टॉक मार्केट में एंट्री करते समय, नए स्टॉक खरीदते समय क्या देखना चाहिए। क्या सिर्फ प्राइस कम होने से हमें वो स्टॉक ले लेना चाहिए, या फिर उसकी क्वालिटी, या फिर उसमें कंपैरिजन कैसे किया जाए। तो चलिए समझते हैं एक एग्जांपल से। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे स्टॉक का चयन किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप नॉर्मल सी बात बताइए, जब भी आप कहीं जाते हो किसी मार्केट में, या फिर कहीं मान लीजिए किसी आप नॉर्मली शॉप पे गए हो बिस्किट लेनी आपको, तो आप कौन सा बिस्किट लेते हो? तो अब ब्रिटानिया यूज़ करते हो या फिर नॉर्मल कोई सा भी बिस्किट उठा के चले आते हो? मेरे ख्याल से ब्रिटानिया लेते होगे, क्योंकि मैक्सिमम लोग सिर्फ कंपनी या फिर ब्रांड देखते हैं। और जहाँ तक होता है कि बिस्किट खरीदने में भी हम यही देखते हैं कि कोई अच्छा बिस्किट हो किसी अच्छी कंपनी का, क्योंकि हमें कंपनी पे भरोसा होता है। और चलिए नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं। चलिए, आप अगर मार्केट में जाते हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, तो कौन सा पिज़्ज़ा प्रेफर करते हैं? कोई सा भी पिज़्ज़ा उठा के खा लेते हैं, या फिर कोई किसी भी शॉप पे जाके पिज़्ज़ा खा लेते हैं, या फिर डोमिनोज पे जाते हैं? तो जाहिर सी बात है डोमिनोज पे जाते होंगे, क्योंकि उनकी क्वालिटी, उनका ब्रांड नेम, उनकी जो भी कैपेसिटी है, वो आप सबको पता है कि वो उसमें एक क्वालिटी आपको मिलती है। ऐसे ही कहीं किसी भी शॉप पे आप नहीं जाते, तो फिर आप इन्वेस्टिंग में ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों आप किसी भी बस आप देखते हैं कि प्राइस कम है किसी भी शेयर का, किसी ने रिकमेंड कर दिया, किसी ने मैसेज कर दिया, किसी ने आपको बता दिया, आप उसे बाई कर लेते हैं? ऐसा क्यों करते हैं आप? मतलब बिना रिसर्च किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे आप ऐसे कैसे बाई कर लेते हैं किसी भी स्टॉक को? जब आप एक बिस्किट खरीदते टाइम आप इतना सोचते हैं कि कौन सी कंपनी का होना चाहिए, अच्छा है या बुरा है, या फिर उसे रिसर्च करते हैं, उसे उसके सर्च करते हैं, ब्रिटानिया लेते हैं, कोई भी बिस्किट नहीं खाते, और कोई भी पिज़्ज़ा अगर खाना होता है तो आप डोमिनोज में ही जाते हैं, तो फिर इन्वेस्टिंग में ऐसा क्यों करते हैं कि बस किसी ने रिकमेंड कर दिया, बस आपने उस शेयर को ले लिया, या फिर किसी ने आपको बता दिया, या फिर आपने देख लिया उसकी प्राइसिंग कम है तो बस ले लिया? तो दोस्तों, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जब भी आपको कोई भी स्टॉक खरीदनी है, तो सबसे पहले आप उसके बिजनेस मॉडल को देखिए कि आखिर रियल में कंपनी करती क्या है, कंपनी का, फिर उसके बाद कंपनी का ग्रोथ देखिए कि ईयर टू ईयर कंपनी का ग्रोथ है भी कि नहीं, कि सिर्फ प्राइस कम है इसीलिए आपने उस शेयर को ले लिया। क्या उसका सेक्टर सही चल रहा है? क्या उस हो सकता है, जैसा कि आप इस टाइम देख सकते हैं कि ऑटो सेक्टर काफ़ी बुरी तरीके से नीचे डाउन पे चल रहा है, और जिस हिसाब से वो अच्छा रिकवर नहीं दे पा रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि बस आपने किसी ने बता दिया कि यार टाटा मोटर्स शेयर काफ़ी नीचे गिर रहा है, आप ले लो उसे, तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो शेयर गिर रहा है तो पूरा सेक्टर इफेक्ट पड़ा हुआ है, पूरा सेक्टर गिर रहा है, तो उसमें आपको कोई बहुत खास अच्छा खासा, और पिछले 2-3 सालों से वो ऑटो सेक्टर इफेक्ट हो रहा है। तो सिर्फ प्राइस देखकर इन्वेस्ट आपको नहीं करना है, आपको उसके बारे में समझना है। जब भी आप कोई बिस्किट खरीदते हैं, तो बिस्किट का ब्रांड आप देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, पिज़्ज़ा खाते टाइम पिज़्ज़ा के लिए देखते हैं कि आपको डोमिनोज का ही पिज़्ज़ा चाहिए, ऐसे भी रोड पे चलते नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी क्वालिटी होती है अच्छी खासी, उसमें कुछ ना कुछ आपको ब्रांड मिलता है, सर्विस अच्छी मिलती है। तो क्वालिटी जब आप इतना देखते हैं, तो फिर आप अपने जीवन की कमाई अगर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, सिर्फ प्राइस देखकर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपको लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि, चलिए आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, मान लीजिए कि आपको अपना बिज़नेस चलाना है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास पैसे हैं तो आप कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, ये आपको पैसा पता चलेगा। तो सबसे पहले तो आप सर्च करेंगे कि आपके एरिया में, आपके मार्केट में किस बिज़नेस की ज़्यादा डिमांड है। सबसे पहले ये आपको देखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं डेयरी की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि आपके एरिया में आसपास कहीं डेयरी नहीं है लेकिन डेयरी की डिमांड ज़्यादा है, या फिर रेडीमेड गारमेंट की। तो ऐसे आपको रिसर्च करते हैं,
तो सेम टू सेम वही तो आपको इन्वेस्टिंग में करना है, क्योंकि इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप उस बिजनेस का कुछ पार्ट कुछ खरीद रहे हैं, उसमें कुछ हिस्सेदारी आपको मिल रही है। भले से आपका अमाउंट 1 शेयर या 2 शेयर का हो, लेकिन फिर भी आपको कुछ हिस्सेदारी तो मिल रही है। तो कहीं ना कहीं आप उस बिजनेस का एक पार्ट बन रहे हैं, एक हिस्सा बन रहे हैं। तो फिर उसमें बिना रिसर्च किए आप कैसे किस कोई भी बिजनेस उठा लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको लोगों को नहीं करना है। अगर कोई भी बिजनेस बिजनेस तो सबसे पहले उस बिजनेस से रिलेटेड नॉलेज गेन कर लेना है, क्योंकि रियल में बिजनेस में क्या क्या है, उसका बिजनेस मॉडल कितना ग्रोथ है, किस एरिया में कितना वो इनकम कमा रहा है, कमा चल रहा है, ये सब आप देखिए, सब आप देखते हैं। उस ये देखने के लिए आपको सेम इन्वेस्टिंग में भी जो सेम करना है कि आप बिजनेस का मॉडल देखिए, क्या लॉन्ग टर्म तक बिजनेस चलेगा या फिर 1-2 सालों में तो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, उसके बाद कोई स्टैंड अप नहीं बचेगा या कोई बिजनेस नहीं चल पाएगा तो ऐसे बहुत से बिजनेस आपको देखने होते हैं, उसके बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करने होते हैं। इन्वेस्ट भी लगभग सेम है कि जैसे कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, सेम टू सेम आप उतने पैसे आपके पास अगर नहीं है तो आप किसी और के बिजनेस में एक हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, सेम टू सेम ऐसे समझ लेते हैं, बात लेते हैं, बात लेते हैं। अगर आप बिजनेस के पार्टनर बन रहे हैं, उसमें आप उस हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, तो आपको तो आप बिना कुछ सोच के समझे कोई भी बिजनेस में पैसे लगाने नहीं चाहिए, क्योंकि भले से आप हो सकता है कि रिटेल इन्वेस्टर आपके पास पैसे कम हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी भी शेयर में पैसे लगा देंगे, इसके लिए भी आपको अच्छे प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए। और अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे भी बहुत से शेयर मिलेंगे जिनकी प्राइसिंग कम है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है और ग्रोथ भी उनकी अच्छी खासी है। दोस्तों ये सब आपको देखना चाहिए, और आपको ये भी देखना चाहिए कि क्या वो अगले 5 साल तक कंपनी स्टैंड रह पाएगी या फिर वो कंपटीशन के मार्केट में गिर खत्म हो जाएगी, ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि कोई भी बिजनेस अगर आपने स्टार्ट कर रही तो आप ये सोचते हैं वो हमारा बिजनेस लॉन्ग से लॉन्ग टर्म तक चल सके। सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट भी तो यही भी आपको करनी है, ऐसा कोई बिजनेस चूज करना है जो बिजनेस आपका लॉन्ग टर्म तक चल सके और अच्छी खासी ग्रोथ दे सके। कहीं ऐसा नहीं हो प्राइस देखकर इन्वेस्ट कर दें और वो जाके बाद में कहीं कंपनी बंद हो जाए। ऐसी भी बहुत सी कंपनियां मार्केट में आई थी जो 1-2 साल 4 साल 5 साल चल रही, अच्छा खासा रिटर्न भी थी, लेकिन वो एक टाइम के बाद फिर कम हो गई हैं। जैसा कि आप किंगफिशर वगैरह देख वगैरह, ऐसी बहुत सी कंपनियां आई हुई हैं। दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान देना है, सिर्फ प्राइस देखकर इन्वेस्टिंग नहीं करनी है, और कोशिश करना है कि अधिक से अधिक करने की, कुछ रिसर्च करने की, किसी टिप्स पे या फिर कहीं आप न्यूज़ देखकर कहीं सुनकर इन्वेस्ट अगर करेंगे तो आपको जब वो शेयर की प्राइस गिरेगी जैसे 1000 से वो जैसे 800 जाएगी तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, सोचेंगे अब क्या किया जाए इस शेयर में, क्योंकि ये शेयर आपने खुद से रिसर्च किया नहीं है, आपको पूरी तरीके से एकदम स्ट्रॉन्गली उस पर भरोसा तो रहता नहीं है। अगर आप ठीक है किसी के भरोसे पे कर भी देते हो, लेकिन जैसे वो शेयर का दाम 800-700-600 तक आएगा तो फिर आप सोचोगे ये तो मैं तो गिर गया इसमें, अब मैं क्या करूं, आप कहीं ना कहीं लॉस बुक करके निकल जाते हो। और हो सकता है कि वही शेयर आपको आने वाले टाइम में आप देखोगे एक लॉन्ग टर्म में 6 महीने साल भर या 2 साल बाद वही शेयर आपको अच्छे खासे प्राइस में ऊपर जाता हुआ दिख जाता हुआ। दोस्तों ये सब ध्यान देना होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइस कोशिश करें कि ऐसे बिजनेस को चूज करें जो मोनोपोली हो, जैसे कि इस टाइम IRCTC है, PVR, क्योंकि अगर आप मूवी देखने जाते हैं आपके पास दो ही हैं जो कि लिस्टेड कंपनियां हैं, या फिर PVR या आईनॉक्स। आईनॉक्स बहुत छोटी कंपनी है PVR के मायने में, इस हिसाब से PVR ही आप देख सकते हैं कि PVR काफी बड़ी कंपनी है जो कि आपको मोनोपोली भी क्रिएट कर दिया। IRCTC आपको पता है कि रेलवे में इकलौती ऐसी कंपनी है कि कहीं से भी आपको अगर टिकट बुकिंग वगैरह कराना होता है तो आपको घूमते थे IRCTC पे ही आना होता है और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, क्योंकि किसी मीडियम से भी आप करेंगे लेकिन लास्ट में आपको IRCTC पे ही लॉगिन करना। या फिर कोशिश करें कि मार्केट लीडर जैसे MRF हो गया, बजाज के ग्रुप से हो गए, जब बजाज फाइनेंस वगैरह बजाज फाइनेंसर वो हो गया, या फिर आप डीमार्ट ले लीजिए। आप लोग ये कहेंगे कि ये शेयर तो बड़े महंगे हैं, हाँ ये शेयर महंगे हैं, सस्ते में भी आपको लीडर्स मिल जाएंगे, HDFC बैंक मान लीजिए, ICICI बैंक मान लीजिए,
ऐसे हर सेक्टर में कुछ लीडर्स होते हैं। अब कोशिश करिए, रिटेल इन्वेस्टर हैं आपके पास उतने पैसे नहीं है कि आप हर जगह इन्वेस्ट करते रहें या फिर हर कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कोशिश यही करें आप लोग कि आप मार्केट लीडर को चूज करें। कि आप लीडर को चूज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको या फिर निफ्टी के टॉप 10 टॉप कंपनी को चूज करें, वो भी लीडर ही होते हैं। ब्रिटानिया हो गए, एचयूएल हो गया, वो कहीं ना कहीं आपको ईयर बाई ईयर बेसिस पर आप देखेंगे आपको 20% का रिटर्न बड़े आराम से जनरेट करके दे सकते हैं। इस हिसाब से आपके पैसे लॉस जाने की उम्मीदें कम रहती है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप इन्वेस्टिंग करें तो सबसे पहले ये सब सर्च कर लें कि आप उसका बिजनेस मॉडल देख लें, सिर्फ प्राइस बेस पे मत करें। अगर हाँ, हो सकता है आपको, अगर आप 100 रुपये का कोई भी शेयर खरीदते हैं, 1000 रुपये में आप 10 शेयर खरीद सकते हैं, क्वांटिटी आपको मिल जाएगी लेकिन क्वालिटी नहीं मिलेगी। क्वालिटी के लिए आपको अगर 1000 का कोई क्वालिटी बेस पे शेयर मिलता है तो आप 1000 का एक ही खरीदें, क्योंकि उसके अंदर इतनी पोटेंशियल होती है कि वो आपके पैसे को 1.5 गुना 2 गुना तक ले जा सकता है, और बहुत कम टाइम में, 3 से 5 साल में। लेकिन अगर वो 100 रुपये वाला आप शेयर खरीदेंगे तो वो अधिक से अधिक कितने तक का जाएगा, आप ही सोचिए, 120 130, उसी पे जाके रुक जाएगा क्योंकि उतनी पोटेंशियल नहीं होगी उसमें। तो ये चीज़ दोस्तों आप ध्यान रखिए, जब भी कोई शेयर खरीदिए तो सबसे पहले उसका बिजनेस मॉडल देखिए, उसके बाद देखिए कि क्या रियल में आपको अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो क्या ऐसे कोई बिजनेस में आप इंटर होंगे जिसकी डिमांड कम हो या फिर आने वाले टाइम में वो कंपनी चल ना पाए। तो और कोशिश करें कि जो भी हमारे मार्केट लीडर हैं उन्हीं को इंक्लूड करें, या फिर ऐसे कोई किसी बिजनेस को आप सर्च करें जो मोनोपोली क्रिएट करते हों, जो कि आने वाले टाइम में उसकी डिमांड बढ़ने वाली हो। तो इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।